अमरीका की जानिब से कराची में आफ्ताब अहमद के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ रियासत टेक्सस के शहर ह्यूस्टन में मुजाहरा किया गया। जियो न्यूज के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ह्यूस्टन के डाउनटाउन में पाकिस्तान के शहर कराची में एमक्यूएम के कारकुन आफ्ताब अहमद की कत्ल पर एहतजाज किया गया, जिसकी कयादत एमक्यूएम के रहनुमा बाबर गौरी ने की। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की उसका नोटिस ले, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका काम इंसाफ प्रोवाइड करना कि उन फैमिलीज को इंसाफ दें जिनके बच्चे लापता हैं, जिनके बच्चों को मां बराए अदालत कत्ल किया गया है। इस मौके पर मर्दों खवातीन ने कत्ल और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा बाबर गौरी ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया कि न सिर्फ आफ्ताब अहमद बल्कि दीगर कारकुनान की भी कत्ल की तहकीकात की जाए, जबकि जो कारकुनान बेगुनाह तौर पर असीर है इनको भी रहा किया जाए। मुजाहरे में शरीक दीगर अफराद का कहना था कि अगर मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे शहर में लोगों को मारा जा रहा है तो प्लीज इस बात को सोचिए और समझिए कि आप किसी और को नहीं, अपने ही बेटों को, अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। कैमरामैन राहिल के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जियो न्यूज, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।